हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। सो आपने थंबनेल देखे पता लगा ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेन वॉइस, ड्यूअल वॉइस और स्प्लिट वॉइस क्या है और उसके वॉल्यूम को कैसे सेट करना है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन वॉइस क्या है। तो मेन वॉइस ये होता है कि आप यहाँ कुछ भी प्ले कर रहे हो, जैसे कि ओके, तो यहाँ आप जो कुछ भी प्ले कर रहे हो उसमें सिर्फ पियानो ही प्ले हो रहा है, आप सुन पा रहे हो ओके। तो ये जो कोई भी मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें सिर्फ पियानो ही प्ले हो रहा है, उसके अलावा और कोई भी जो वॉइस है वो प्ले नहीं हो रही है, तो उसे मेन वॉइस कहते हैं। जैसे कि मैं 86 करूँ जो स्ट्रिंग है, तो ये हो गया हमारा मेन वॉइस। ये हो गया हमारा मेन वॉइस। इसके अलावा इस यहाँ स्ट्रिंग ही प्ले हो रही है, स्ट्रिंग के अलावा इसके साथ और कोई भी वॉइस प्ले नहीं हो रही है, तो ये हो गई हमारी मेन वॉइस। तो यामाहा PSR i455 में आप मेन वॉइस के तौर पर 753, टोटल 753 मेन वॉइस आप सेट कर सकते हो। आप देख पा रहे हो 753 वो अंत का है और सबसे एक नंबर पर आप देख पा रहे हो की हारमोनियम 1 है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि मेन वॉइस क्या है। तो मेन वॉइस ये होता है कि आप यहाँ जो कुछ भी प्ले कर रहे हो उसके साथ और कोई वॉइस ना प्ले हो उसे मेन वॉइस कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि मेन वॉइस के जो वॉल्यूम है उसे कैसे सेट किया जाए। तो उसके लिए इस फंक्शन के बटन को प्रेस करना है। मैंने यहाँ मेन वॉइस के तौर पर हारमोनियम 1 रखा है जो 001 नंबर पर। तो फंक्शन के बटन को प्रेस करना है और फिर कैटेगरी के बटन को यूज़ करना है और यहाँ मेन वॉल्यूम ऐसा ना आए तब तक इसे प्रेस करना है। आप यहाँ इस कीबोर्ड में जो मास्टर वॉल्यूम है, मेन वॉइस भी बोल सकते हो या मास्टर वॉल्यूम भी बोल सकते हो, तो उसे आप 000 से 127 तक एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि ये 127 ये सबसे मैक्सिमम हो जाता है और 000 वो सबसे मिनिमम हो जाता है। आप इस डायल से भी इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ड्यूअल वॉइस क्या है। अब ड्यूअल वॉइस की बात करें तो ड्यूअल वॉइस ये होता है कि मैंने आपको आगे समझाया कि मेन वॉइस या मास्टर वॉइस जो कोई भी बोले आप जैसा चाहे, तो उसे प्ले हम जब करेंगे तो वो सिर्फ वही प्ले होगा। पर ड्यूअल वॉइस में क्या होगा कि ड्यूअल को हम जब इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ ड्यूअल आ जाएगा, तो वो एबल हो चुका है। तो अब क्या होगा कि यहाँ हारमोनियम तो प्ले होगा पर ड्यूअल के तौर पर हमने जो कोई भी वॉइस सेट की होगी वो भी साथ उसमें प्ले होगी। आप नाम से ही जान सकते हो कि ड्यूअल इट मीन्स दो। तो एक तो मेन वॉइस तो प्ले होगी और ड्यूअल वॉइस के तौर पर हमने जो कोई भी वॉइस सेट की होगी वो भी प्ले होगी। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ड्यूअल वॉइस को सेट कैसे किया जाए। तो नॉर्मली इस ड्यूअल के बटन को यहाँ आप नीचे देख भी पा रहे हो कि प्रेस एंड होल्ड का सिंबल है, उसके बाजू में ड्यूअल वॉइस ऐसा लिखा भी है। तो इस बटन को प्रेस कर रखना है, होल्ड करना है, तो यहाँ आ जाएगा डी वॉइस ओके। और यहाँ आप डी वॉइस के तौर पर 753 वॉइस जो है आप ऐड कर सकते हो यहाँ भी ओके। आप देख पा रहे हो 753 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने मेन वॉइस के तौर पर हारमोनियम रखा है, तो ड्यूअल वॉइस के तौर पर मैं इससे हारमोनियम से ऑड वॉइस लेता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो 21 नंबर पे जो पियानो है उसे हम ड्यूअल वॉइस के तौर पर रखते हैं। तो अब यहाँ हारमोनियम तो प्ले होगा ही पर ड्यूअल जो ड्यूअल वॉइस के तौर पर हमने पियानो रखा वो भी प्ले होगा। तो आइए देखते हैं ओके। आप सुन पा रहे हो कि हारमोनियम तो प्ले हो ही रहा है पर इसके उसके साथ पियानो भी प्ले हो रहा है। स्ट्रिंग करते हैं तो ओके। तो यह हारमोनियम तो प्ले हो रहा है पर ड्यूअल वॉइस के तौर पर हमने स्ट्रिंग रखा तो स्ट्रिंग भी प्ले हो रहा है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ड्यूअल वॉइस क्या है। अब ड्यूअल वॉल्यूम को कैसे सेट किया जाए, तो उसके लिए इस ड्यूअल के बटन को प्रेस कर रखना है
और उसके बाद इस कैटेगरी के प्लस बटन को प्रेस करना है तो यहाँ आ जाएगा ड्यूअल वॉल्यूम। यहाँ से आप सेट कर सकते हो, आप इसमें भी 000 से 127 तक एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, 000 पर जो ड्यूअल वॉल्यूम वॉइस होगा वो आपको नहीं सुनाई देगा, जैसे कि यहाँ सिर्फ हारमोनियम ही प्ले हो रहा है। पर 127 करूँगा जो मैक्सिमम है, तो हारमोनियम और स्ट्रिंग दोनों प्ले होगा। ओके, यहाँ स्ट्रिंग बहुत आपको ज़्यादा लग रही है तो मैं 50 करता हूँ तो उसकी आवाज़ कम हो जाएगी। तो इस तरह आप ड्यूअल वॉल्यूम को सेट कर सकते हो। तो इस कीबोर्ड में ड्यूअल का क्या फंक्शन है उसको मैंने डिटेल में समझा दिया है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि स्प्लिट वॉइस क्या है। तो स्प्लिट, उसके नाम पर से ही आप जान सकते हो कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो स्प्लिट का मीनिंग होता है कि दो हिस्से करना, दो भाग करना। तो इस कीबोर्ड में उसका क्या मीनिंग है, आइए उसे देखते हैं। तो आपको मेन वॉइस अब पता चल चुका होगा, ड्यूअल वॉइस भी पता चल चुका होगा, पर स्प्लिट वॉइस इन दोनों से कुछ अलग है। तो नॉर्मली हमें स्प्लिट के इस बटन को प्रेस करना है तो यहाँ आ जाएगा स्प्लिट, और ये अब एबल हो चुका है। तो यहाँ मैंने आपको आगे बताया कि स्प्लिट का मीनिंग होता है दो हिस्से करना। तो इस कीबोर्ड में हमारे 5 ऑक्टेव है, आप देख पा रहे हो, ये पहला, दूसरा, तीसरा ऑक्टेव, चौथा ऑक्टेव और ये 5वां ऑक्टेव। तो आप यहाँ से ये स्प्लिट के फंक्शन से आप इस 5 ऑक्टेव के जो कीबोर्ड है उसे आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। तो स्प्लिट के फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले इसे अनेबल कर देते हैं। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ सभी जगह पर ये हारमोनियम, ये भी हारमोनियम, ये भी हारमोनियम, ये भी हारमोनियम और ये भी हारमोनियम ही प्ले हो रहा है। यहाँ ड्यूअल वॉइस के तौर पर स्ट्रिंग है और उसका वॉल्यूम हाईएस्ट है, इसलिए आपको स्ट्रिंग ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पूरे कीबोर्ड में हारमोनियम ही प्ले हो रहा है, पर अगर मैं स्प्लिट के बटन को प्रेस करता हूँ और इसे एबल करता हूँ तो अब क्या होगा। ओके, ये इस स्केल तक स्ट्रिंग ही प्ले हो रही है, और फिर इस स्केल से यहाँ आते तो हारमोनियम और स्ट्रिंग दोनों प्ले हो रही है। तो आप देख पा रहे हो, ओके, स्प्लिट का यही कार्य है कि उसे जब आप एबल करते हो तो ये कीबोर्ड को दो हिस्से में बांट देता है, ये पहला हिस्सा हो गया और यहाँ से ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब ये जो अंत का स्केल है जहाँ स्ट्रिंग प्ले हो रही है और फिर यहाँ हारमोनियम प्ले हो रहा है, तो इस स्केल को स्प्लिट पॉइंट कहते हैं। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि स्प्लिट का फंक्शन क्या है, कि इसने दो जो कीबोर्ड है पूरा उसको दो हिस्से में बांटता है। एक हिस्से में अलग वॉइस प्ले होती है और दूसरे हिस्से में आप अलग वॉइस प्ले कर सकते हो। तो स्प्लिट वॉइस को भी आप चेंज करना चाहते हो तो इस स्प्लिट के बटन को प्रेस कर रखना है तो यहाँ आ जाएगा स्प्लिट वॉइस। अब यहाँ स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पियानो कर देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पियानो प्ले होगा। ओके, और यहाँ हारमोनियम। ओके, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट पॉइंट। बात करते हैं कि स्प्लिट वॉल्यूम को कैसे सेट किया जाए। तो नॉर्मली इस स्प्लिट के बटन को प्रेस कर रखना है, होल्ड कर रखना है, और उसके बाद इस कैटेगरी के बटन में प्लस वाला बटन प्रेस करना है तो यहाँ आ जाएगा स्प्लिट वॉल्यूम। अब यहाँ उसमें भी 000 से लेके 127 तक सबसे मैक्सिमम और 000 सबसे मिनिमम है, आप देख पा रहे हो। ओके, अब इसे मैं 50 कर देता हूँ तो 000 करने पर ये आवाज़ चली जाएगी। यहाँ मैंने 00 करा है स्प्लिट वॉल्यूम, इसलिए यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब आपको आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्प्लिट जो पॉइंट है, स्प्लिट पॉइंट वो हमारा यहाँ है तो उसे चेंज करना हो तो कैसे किया जाए। तो ये हमारा जो ACMP का बटन है उसे प्रेस कर रखना है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ स्प्लिट पॉइंट ऐसा आ जाएगा तो आप इसे चेंज कर सकते हो। तो पहले हमारा स्प्लिट पॉइंट यहाँ है तो उसे एक नंबर कम करने से यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ हारमोनियम प्ले होगा और यहाँ पियानो होगा।
ओके, उसी तरह एक और नंबर कम करने से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह आप स्प्लिट पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो। तो स्प्लिट और स्प्लिट पॉइंट क्या है उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि यामाहा PSR-I455 में मेन वॉइस क्या है, ड्यूअल वॉइस क्या है और स्प्लिट वॉइस क्या है और उसके वॉल्यूम को कैसे सेट किया जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।